सारा जी छोटे छोटे सराज जिंदगी की यादगार परफॉर्मेंस बहुत सारे हैं, बट ऑफ कोर्स जब मैं पहली दफा मुंबई में पहली दफा परफॉर्म किया था और उन्होंने कहा था कि प्लीज वेलकम पाकिस्तान की बेटी सारा रजा खान। अरे वाह, आई सैंग तेरे इश्क़ में छाया आपदा जी सर। इट वाज अ वेरी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? कुछ खास नहीं, बस जो कपड़े मैंने पहने वो बहुत अच्छे से दिखने चाहिए। हां, दिखने चाहिए। कैन यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स? ऑनेस्ट, म्यूजिकल एंड ब्लेस। बचपन की कोई हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? अभी तक एक ही बात है जिस पे मामा से डांट पड़ती है और किसी बात पे नहीं पड़ती, कि मैं अपनी मेड से कभी जरा सी भी तल्ख कलामी कर ली। तल्ख कलामी से ज्यादा जोर से बुला लिया तो बस गए आप, वहीं पे डांट पड़नी शुरू हो जाती है। बड़ी क्यूट बात। अपनी लुक्स में कुछ बदलना चाहें तो कुछ बदलना चाहेंगी? आई फील लाइक आई एम गुड, बबली नाउ। वेरी गुड। अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या आदत छोड़ना या बदलना चाहेंगी? स्टिल लर्निंग टू बी अ बेटर पर्सन एंड टू बी मच मोर, मतलब जिसको थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस। अगर पूरी दुनिया में कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो क्या लेना चाहेंगी जी? नहीं, सबके लिए बड़ों की दुआएं लेके सब में बांट दूंगी ताकि लोग थोड़े से जो है ना बानसीब हो जाएं। क्या बात, बहुत सारी तालियां। ब्यूटीफुल, यू आर अ लवली ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसी तरह आपको तरक्कियां दे और आप जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे जी। योर वर्क शुड स्पीक फॉर यू। अपना खास ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। और जाते जाते मधुर सी आवाज पोपट से गाना हो। बर्बाद न कर रे इश्क हमें, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर इश्क हमें, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कि अगर पैसे को मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा तो हमारे से रजू करें। पहले यहाँ से कलेक्ट कर नंबर लिख के बंदे सामने जिनका स्कॉर्पियो। और मुझे तो बल्कि एक और इनमें नजर आता है सर, अगर ये लिखना शुरू कर दें
क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी चीज पाई जाती है, ये एक हीलिंग टेंडेंसी भी है, लोगों को हील कर सकती हैं। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। लिखने का कभी आपको सारा शौक हुआ? I wrote an article for ISPR's magazine और वो काफ़ी म्यूज़िक से ही ओरिएंटेड था, क्योंकि मैं ज़्यादातर हमेशा म्यूज़िक के हवाले से ही सोचती रहती हूँ। कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहती हो सामिया जी से? नहीं, उन्होंने इतनी अच्छी बात की है, अभी जैसे ही पैसे आएंगे मैं शॉपिंग करने चली जाऊँगी। और क्या बात पूछूं? शॉपिंग का इतना शौक है, इनको जंगल में छोड़ दो, परिंदे खरीद के लिए। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग शॉपिंग करती हूँ, मैं साउंड गैजेट्स ऑडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें खरीदती हूँ। जब भी साहब के सितारे क्या कहते हैं जी? अच्छा जी, अरे एक सेकंड, मेरे जरा लड़ते थे। और जो था मल्टीटास्किंग, हर चलते हुए काम में हाथ पाँव डालना, फंसाना, ये शौक इनके अंदर हमेशा से रहा होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना इनको चाहूंगी कि एक या दो कामों में सीरियस होके चलें, इससे ज्यादा तजर्बे ना करें अपनी जिंदगी। क्या कह रही है सामिया जी? हर चीज में टांग फंसा देते हो। इनकी ये बात सही है कि मैं इंटरेस्ट हर चीज में लेता हूँ, क्योंकि एक बिजनेस का एक वो हमेशा से रहा है कि यार, तो मैं एक्सप्लोर हर चीज को करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो टांग फंसाई है वो दो ही काम है। अच्छा, उससे ज्यादा मैं हाँ, लेकिन मुझे तजस्सुस रहता है हर चीज़ का। सिर्फ एक चीज है कि सर, पता नहीं क्या जल्दबाजी है, मुझे समझ नहीं आती कौन सा वो जो है वो, अल्लाह ना करे लंबी जिंदगी है माशाल्लाह विद गुड हेल्थ, लेकिन जल्दबाजी वाला एलिमेंट उनके अपने लिए भी जो है ना जरा पेनफुल हो जाता है समटाइम। जी, क्या जल्दी है, क्या जल्दबाजी है, कितने जाना है, क्या करना चाहते हो? की फ्लाइट नहीं, बस थोड़ा रेस्टलेस नेचर है, इसलिए वो टिक के बैठने वाला मुश्किल हो जाता है काम। अब वो नेचर क्या है भाई का? लिब्रा हवा, जैसे सर हवा है, हवा को एक कमरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता ना। सर जी भी ऐसे, लेकिन बलून में तो भर के बांध देते हैं हवा को। मैं आपको एक अब सिंपल सी बात बताऊं, इनकी बात बहुत हद तक सही है कि अगर मैं घर में बैठा हूँ तो अगर बच्चे खेल रहे तो मुझे अगर ऐसी दो तीन कुछ छोटी चीजें ऐसे नजर आ जाएंगी, मैं उठा के उनको सेट कर दूंगा, मैं बैठा नहीं रहूंगा, बच्चों को खेलने नहीं देंगे, खेलते रहे तो करेंगे, मैं सही करता रहूंगा। नहीं जिब्रान सर, यू नो आई हैव टू डू समथिंग ऑल। और एक स्टेज जिंदगी में फैसला करेंगे, शायद ये फिर मुल्क से बाहर एंड अप होंगे। ऐसा कोई बिजनेस का प्लान है मुल्क से बाहर? या डिपेंड्स, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बट हु नोस। मैं हिजरत हमेशा से, मैं रावलपिंडी छोड़ के कराची आ गया, यहाँ से आगे बीच में मैं बॉम्बे चला गया था, 6-8 महीने वहां रहा। कैसे 8 महीने का वीजा तो होता ही नहीं है? मैं जाता था, 8 महीने आता जाता था, मैं डिप्लोमा कर रहा था एक स्कूल से, मैंने किया, सर्टिफिकेट लिया, वाह वाह, वापस किस स्कूल से किया? किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से। तो क्या सीखा उधर से आपने? नहीं, मैं ये बताऊंगा कि मुझे उनका ये सिस्टम अच्छा लगा कि ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार 18-19-20 साल में पढ़ाई करके घर से बाहर निकलते हैं कि हमें एक्टर बनना है, ओके, तो वो वहां जाते हैं, वहां वो उनको बताते हैं बेसिक्स, डायलॉग डिलीवरी, स्टे, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज, उनकी एक शो रील बनाते हैं, उनके मोनोलॉग्स रिकॉर्ड करते हैं। तो जब वो 6-8 महीने निकल के आते हैं तो फिर उनके पास एक पूरी एक रील होती है अपनी, जो कि वो ऑडिशन के तौर पे देते हैं कि यार ये है हमारी कैपेसिटी, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, तो उनके लिए आसान होता है। Were they surprised that somebody from Pakistan? Yes, because the dean, when he met me, he said, okay, 2 हफ्ते बाद मैं उनकी डिक्शन की क्लास लेता था। The teacher said, जिब्रान आप पढ़ाए इन्हें, क्योंकि उनके लिए उर्दू वॉज अ बिग डील, वो तो हिंदी बोलते हैं ना, लेकिन वो डांस फाइट सब सिखाते हैं। वो मेरे यहाँ ड्रामों में यूज नहीं हुआ, लेकिन मैंने कैमरे के हिसाब से फाइट डांस सारा। अच्छा, ये सिखाते हैं चैनल पे पैसे फंस जाए तो किस तरह निकालने? ये कहाँ सिखाते हैं यार? वहाँ चैनल में पैसे जब फंसते तो एसोसिएशन निकाल के दे देती है। यहाँ का कुछ यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ ईच टू हिज ओन। आई विश के हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम हो।